तब राव इंद्रजीत सिंह की, जो कि आजकल अपने ही मुख्यमंत्री पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद अब राव इंद्रजीत सिंह अपने ही मुख्यमंत्री पर भड़क रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए झज्जर से इस खास रिपोर्ट में। जब हरियाणा के अंदर ऐसे नेता को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो चीफ मिनिस्टर बनकर के नेता ना बने, जो कि जो नेता है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और कोई तरीका नहीं। रैली थी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की, गढ़ था पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन रैली में राव इंद्रजीत भड़के अपने ही मुख्यमंत्री पर। राव इंद्रजीत और सीएम खट्टर के बीच की दरार गुरुग्राम के बाद झज्जर में भी सबके सामने आई, जब मंच से ही सांसद सीएम खट्टर को खरी खरी सुनाते नजर आए। राव ने सीएम पर प्रहार करते हुए दो टूक कहा कि हरियाणा को अब वो मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो मुख्यमंत्री बनने के बाद नेता बना, बल्कि अब तो हरियाणा को वो सीएम चाहिए जो नेता पहले हो। प्रयास ये होगा कि हरियाणा के अंदर जो खाई बन गई है बिरादरी बिरादरी के बीच के अंदर, उसको मिटाया जाए, उसको हटाया जाए। जब हरियाणा के अंदर ऐसे नेता को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो चीफ मिनिस्टर बनकर के नेता ना बने, क्योंकि जो नेता है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और कोई तरीका नहीं। सीएम खट्टर पर भड़ास निकालने की कवायद जारी रखते हुए राव इंद्रजीत ने दूसरा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है कि खट्टर साहब के कार्यकाल में हरियाणा जाति में बट गया। राव ने कहा, जैसे तीन चांद की कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता, वैसे ही दरार के बीच कोई सत्ता पर राज नहीं कर सकता। बराबर के तौर के ऊपर हरियाणा की संपत्ति का वितरण किया है। करनाल का भी नंबर आ गया, करनाल से चीफ मिनिस्टर बनकर के सब जगह वितरण करने के लिए पूरा प्रयास भी किया, ये हाँ में हाँ मिलाता हूं। लेकिन हरियाणा का एक दुर्भाग्य हुआ, मैं तो यही कहूंगा कि हरियाणा का ये दुर्भाग्य रहा कि इनके दौरान हरियाणा के जातियों के बीच दरार पड़ी। राव इंद्रजीत यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने एसवाईएल को लेकर खट्टर पर आखिरी हमला बोला और कहा कि एसवाईएल को लेकर मुख्यमंत्री जी गंभीर नहीं हैं। हालांकि न सिर्फ राव इंद्रजीत बल्कि बीजेपी के कई सांसद मुख्यमंत्री को लेकर अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर चुके हैं, चाहे राजकुमार सैनी हो, अश्विनी चोपड़ा हो या फिर धर्मवीर सिंह। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों सीएम से खफा है बीजेपी सांसद, और क्या सांसदों से सीएम की बनती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।